नेक्स्ट इज रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ रेक। अगर मैं ग्राफ की डेफिनेशन की बात करूं तो ग्राफ इज नथिंग बट सेट ऑफ वर्टाइसेस एंड एजेस। तो डेडलॉक के चैप्टर में हम जब भी बात करते हैं तो कई बार हम एक ग्राफ को रिप्रेजेंट करके समझाते हैं, तो वहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोसेस एक रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर रही है या होल्ड कर रही है, प्रोसेस है या रिसोर्स है। तो इसके लिए टर्मिनोलॉजी जो प्री डिफाइंड है तो उसको पहले अपन समझते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है पहले अपन वर्टाइसेस के बारे में देखते हैं, फिर अपन एजेस को देखते हैं। तो वर्टाइसेस यहां पर दो टाइप की हैं, वन इज ए प्रोसेस वर्टेक्स और वन इज ए रिसोर्स वर्टेक्स। प्रोसेस वर्टेक्स को हम हर हमेशा सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके अंदर या बाहर आप कह सकते हैं प्रोसेस पी आई लिखते हैं, दैट इज नथिंग बट प्रोसेस पी आई। और जब भी कभी अगर मैं बात करता हूं रिसोर्स की तो रिसोर्स वर्टेक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से, या तो उसके अंदर या उसके बाहर लिखते हैं आर आई, आर वन, आर टू, आर थ्री, कुछ भी हो सकता है। यहां पर रिसोर्स वर्टेक्स एक से ज्यादा टाइप की हो सकती है, तो वो कैटेगराइज्ड है दो केसेस में, वन इज सिंगल इंस्टेंस एंड वन इज मल्टी इंस्टेंस। क्लियर? आपके सिस्टम में ऐसे कुछ रिसोर्सेज हैं जो कि ओनली सिंगल इंस्टेंस अवेलेबल है, क्लियर, और ऐसे कुछ और अदर रिसोर्सेज हैं जिसके मल्टीपल इंस्टेंसेस अवेलेबल हैं। मल्टीपल इंस्टेंसेस जब अवेलेबल होंगे तो जितने इंस्टेंसेस होंगे उस रिसोर्स के उतनी प्रोसेसेस उसको एट द सेम टाइम एक्सेस कर सकती हैं, क्योंकि हर रिसोर्स का एक इंस्टेंस किसी प्रोसेस को असाइन होगा, है ना? तो सिंगल इंस्टेंस और मल्टी इंस्टेंस हो गए। कुल मिलाकर के मल्टीपल इंस्टेंस का मतलब पैरेलल चीजें आपके पास अवेलेबल हैं, है ना? नाउ अब बात आती है एजेस की। अगर मैं एजेस की बात करता हूं तो दो टाइप की एजेस होती हैं, एक प्रोसेस की तरफ और एक प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ कह सकते हैं। तो एक है असाइंड और एक है रिक्वेस्टिंग। इसका मीनिंग होता है असाइंड, मतलब पी वन इज होल्डिंग टू इंस्टेंसेस ऑफ रिसोर्स आर वन। क्लियर है? इसका मीनिंग होगा अगर प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ है, मतलब पी टू इज रिक्वेस्टिंग थ्री इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स आर टू, है ना? तो ये आपका हो गया एजेस के बारे में। अब अपन इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने है जिसमें तीन प्रोसेस है पी वन, पी टू, पी थ्री, तीन रिसोर्सेज है आर टू, आर थ्री और आर वन। क्लियर है? एंड लेट सारे के सारे रिसोर्सेज सिंगल इंस्टेंस है, ऐसा मान लीजिएगा। क्लियर है? नाउ अगर मैं इसकी बात करता हूं तो P1 वन इज होल्डिंग आर वन एंड रिक्वेस्टिंग आर टू। बाई डिफॉल्ट सिंगल इंस्टेंस का ही जिक्र हम करते हैं, तो P1 वन इज होल्डिंग वन सिंगल इंस्टेंस ऑफ आर वन एंड रिक्वेस्टिंग सिंगल इंस्टेंस ऑफ आर टू, है ना? नाउ उसी तरीके से अगर मैं प्रोसेस P2 की बात करता हूं, P2 इज होल्डिंग रिसोर्स R2 एंड रिक्वेस्टिंग रिसोर्स R3 एंड R1 बोथ, क्योंकि ये एक इंस्टेंस R3 का रिक्वेस्ट कर रहा है और एक इंस्टेंस R1 का भी रिक्वेस्ट कर रहा है वाइल होल्डिंग रिसोर्स R1। उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं P3 की, तो P3 इज होल्डिंग वन इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स R3 एंड रिसोर्स R2 एंड
requesting one instance of resource R1, है ना? क्लियर है? तो ये जितनी भी चीजें मैंने बोली ये आप इस एग्जाम्पल के साथ लिख लीजिएगा, क्लियर है? P1 is holding R1 and requesting R2, P2 is holding R2 and requesting R3 and R1, P3 is holding R2 and R3 and requesting R1. तो आपको क्लियर हो जाएगा कि what is the resource allocation graph. तो अपकमिंग लेक्चर्स में जब भी कभी मैं ग्राफ बनाऊं तो आपको किसी लेवल का डाउट ना रहे. क्लियर है? इज देयर एनी डाउट?